हेलो व्हाट्स अप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 5 है, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल अ सम ऑफ रुपी 64,000 अमाउंट टू 74,088 फॉर 3 ईयर्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कह रहा है, हमें बता रखा है प्रिंसिपल है 64,000, अमाउंट बता रखा है 74,088 और टाइम बता रहा है 3। तो हमें रेट फाइंड करना है और हमें बता रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें फॉर्मूला पता है A=P1+R/100T। हाँ, तो अब हम इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अमाउंट की वैल्यू हमने पुट कर दी, अब प्रिंसिपल की वैल्यू 64,000। हाँ, अब 1+R की वैल्यू हमें पता नहीं, अपॉन 100, और T की वैल्यू 3 है। अब ये इस प्रिंसिपल इससे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 74,088 अपॉन 64,000। हाँ, अब ये 74,000 और 64,000 कट होके आता है 9261/8,000। मतलब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, क्वेश्चन 4 में, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वो पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो ये अब ये क्या हो गया, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1, तो 100+1 100 और 100 × 100+R³। अब 9261 हमें पता है 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं, और 8000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8000 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 10 × 10 × 10। हाँ, इक्वल्स टू 100+R/100³। अब इसे कैसे कर सकते हैं, देखो 3 3 बार है, 7 3 बार है, 2 3 बार है, 10 3 बार है, तो सबको हम एक एक बार लिख लेंगे। 7 × 2 × 10³ लगा देंगे, इक्वल्स टू 100+R/100³। हाँ, एक मिनट, आपको देख नहीं रहा होगा। हाँ, तो देखिए, ये हमने ऐसे, अब फिर से एक्सपोनेंट का रूल लगेगा, जब पावर सेम है तो और इक्वल है बीच में, ये इक्वल का साइन है ना, और पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। तो 3721/20 इक्वल्स टू हो जाएगा 100+R/100। अब ये देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो ये 21 × 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 20 (100+R). तो एक बार 20 इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार 20 इससे, तो ये कितना हो गया, 2100 = 20 × 100 = 2000 + 20 × R = 20R। अभी 2000 से प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, 2100 - 20 = 2000 = 20R। अब 2100 - 2000 कितना होगा, 100 होगा, इक्वल्स टू 20R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 100/20, तो 0 से 0 कटा, 2 5 10, तो R आ गया 5%। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।